सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल, जो भी आप कहो। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मोटो व्लॉग करने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने थोड़े टाइम पहले भी करा था, 2-3 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी बीच में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई थी गोप्रो के साथ, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो कोई नहीं, चलते रहता है सब, तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। और आज है मेरा फास्ट, तो सुबह सुबह उठ के नहाया धोया मस्त, अभी करता हूँ पूजा वगैरह। खाना पीना तो मैं खाऊंगा नहीं आज, क्योंकि फास्ट है, बहुत एनर्जी लो होने वाली है। तो अभी थोड़ा सेटअप वेटअप करता हूँ फिर से अच्छे से, और फिर चलेंगे ऑफिस को। वैसे तो अभी मैं तैयार ऑफिस के लिए हो रखा हूँ, पर अभी पूजा वगैरह करते फिर चलते हैं ऑफिस को। चलो। और हाँ गाइस, कोई कोई लोग ऐसे कमेंट मत करना कि तुमने 16 सोमवार का व्रत रखा है। तो शिव जी का व्रत रखा है, पर तुम वो सब हरकतें मत करना, बहुत चालाक हो, मेरे को पता है। आजकल की पीढ़ी बहुत टफ वाले लेवल के जोक्स मार रही है, तो ठीक है गाइस, ऐसा मत करना। हाँ GoPro मैंने ऑन कर दिया है, और ये रही मेरी बाइक। इसमें मैंने नया लगा दिया है हैंड गार्ड, ये वाला, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड से लगाया है, काफ़ी सही रहता है, हवा हवा भी नहीं लगती, और सेफ्टी के लिए भी सही रहता है ना, हाथों के लिए, तो सही है। बाइक कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने आपको नाम नहीं बताया था, मैंने क्या रखा है इसका नाम। इसका नाम मैंने रखा है, देखो, हिम आलियन है ना इसका नाम, तो मैंने इसका नाम रखा है अलाया, एन फॉर निर्मल, हिम नहीं। तो आप अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो मत समझो, आप क्या करो। हाँ, लिली। तो गाइस लिली के बच्चे होने वाले हैं, जिसको भी लिली के बच्चे चाहिए होंगे बता देना। ये देखो, इसमें पेटू में है इसके बच्चे, सही है, ये है बनमानुस कुत्ता। ओके गाइस, अब हो चुकी है मेरी मोटो व्लॉगिंग शुरू। फिलहाल तो अभी मैं ऑफिस तक ही जा रहा हूँ, तो अगर मतलब ठीक है, इतनी सी हो पाएगी मोटो व्लॉगिंग यहीं पर तक जाने तक की, पर बहुत सी चीज़ें ना कवर हो जाती है मोटो व्लॉगिंग में, और मोटो व्लॉगिंग करते टाइम मतलब ना एक रियलिटी होती है ना, जो वो आती है, फेक नहीं कर सकते आप, कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। ठीक है, अभी जैसा भी चल रहा है, वो खतरों के खिलाड़ी। एक चीज़ यही है गाइस मोटो व्लॉगिंग में ना, कि मतलब आगे कुछ हो रहा होता है तो पता चल जाता है, और अगर कुछ गलत भी हो रहा होता है तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आगे वाले की हेल्प भी हो जाएगी। अच्छी बात है, और एक तरह से ड्रॉबैक भी है, कुछ नहीं दिखाने लायक चीज़ें भी दिख जाती है इसमें, तो मैं ट्राई करूँगा नहीं दिखाने वाली चीज़ ना ही दिखाऊँगा इसमें, क्योंकि सही नहीं रहता है वो सब चीज़ें दिखाना। ज़बरदस्ती की रोड रेज मैं नहीं करूँगा, तो ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना मेरे से कि मैंने GoPro ले लिया तो अब मैं कुछ टाइम बाद रोड रेज करूँगा और व्यूज़ उठाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात है गाइस, इसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना मेरे को, रॉयल एनफील्ड, ये जो हिमालयन है ना, मैं मतलब बहुत खुश हूँ इसको लेके। अगर आप लोगों को लेना है तो आप ले लो यार, बिना सोचे समझे, ये मतलब हर जगह चलने लायक है। मार्केट में मैं इतने अच्छे से चला लेता हूँ ना, जैसे स्कूटी चलाता हूँ वैसे चला लेता हूँ मैं इसे, रियली। मतलब मेरी तो हाइट ठीक है, तो मैं मतलब इजी होता है मेरे को ये चलाने में, तो अगर आपको भी सही लगे तो ले लेना, आपके बजट में फिट होता है तो। देखते हैं गाइस मैं कितनी भगा पाता हूँ इसे, चलो छोड़ो। अरे दूध वाला मेरे से आगे चला गया, देखो हद हो गई। काफ़ी सारी गाड़ियाँ, ठीक है, सामान भी जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने शोरूम पे, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब करेंगे थोड़ी देर काम चल ही रहा है, तो चलो गाइस अभी के लिए टाटा गुड बाय।
सो गाइस अभी बज रहे हैं 3:20 और हो गया है मेरे खाने का टाइम। खाने का टाइम तो क्या पहले ही हो गया पर भूख लग रही है बहुत, तो फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं थोड़ा सा और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी फिर बॉडी में। वैसे तो बगल में मिलता है, मतलब जो शॉप है ना हमारी उसके जस्ट बगल में ही है, तो ले आते हैं कुछ खाने के लिए। ऐसा तो गाइस होते रहता है, मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलते रहते हैं ना, पर मैं इग्नोर नहीं करता। अरे ऐसा कुछ बोलना मत, आप लोग भी इग्नोर करता है करके इंदौर, जहाँ पे रुकने का नहीं होता है तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे ट्रक बात करे इतनी भीड़। चलो पहुँच गए हैं फ्रूट्स वाली शॉप में। ये आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन ना, एक ये भी निकाल दे रहे हैं खरबूजा। तो भाई फ्रूट्स वगैरह तो ले लिए, पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसको बाइक में ले जाना। गिर गया, थैंक यू। अभी हो गया था खात्मा मेरे खरबूजे का। ये गन्ने का जूस वाला कहाँ चला गया? यहाँ पे मिलता है कोई? तो यहाँ पे लगा दिया है जुगाड़ खरबूजे का। फनी, बढ़िया। आज इस खरबूजे का काम तमाम हो गया था, वो तो भैया ने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया सही है, नहीं तो एक गिर के किसी की गाड़ी के नीचे फचक हो जाता। तो फिर से पहुँच गए हैं हम अपनी शोरूम पे। यहाँ कोई है नहीं इसीलिए मैं आज बाहर नहीं निकल रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ आज, तो इसीलिए कहीं नहीं जा पा रहा हूँ मोटो राइड में। तो आज ऐसे ही ट्राई कर लिया थोड़ा बहुत, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर भी करना। सो फाइनली गाइस आप खाते हैं फ्रूट्स, बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो फ्रूट्स ये रहे, मतलब केला है खरबूजा कहते हैं इसे और ये है अंगूर। गाइस चलते हैं अब घर को, जाने का टाइम हो गया, दुकान वगैरह बंद कर दी है सब कुछ, अब चलेंगे घर को खाना खाएंगे। एनर्जी मिल्क है ये वो छोड़ ले भाई पकड़, चेक पेमेंट, इतने सामान की चेक पेमेंट है आई। तो भी क्या बना रहे हो खाने में? मैं बना रही हूँ मूंग के नालों का सुखाया हुआ जो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या सुखाया हुआ कुछ तो बोलते हैं यार, कुछ भी क्या व्रत है कुछ तो अच्छा खिला देना यार। अच्छा है वो टमाटर का और उसका बना रही हूँ ना, 14-15 रोटी बनाना सुबह से शाम तक का जितना भी है ना सब खाऊंगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं है मेरी बॉडी में, इतनी रोटी खाने भूख लगे तो व्रत क्यों रखता है, वो हो जाता है जो भी है बनाओ फिर अच्छा सा कुछ। तो गाइस अभी जला लेते हैं पहले दिया फिर खाएंगे खाना पीना, तो पूजा वगैरह करते मंदिर पर ही हूँ, तो पूजा करने के बाद खाएंगे पेट भर के खाना, इतनी भूख लग रही है ना। वैसे तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया व्रत रखते हुए, मतलब ये तीसरा हफ्ता है तो ठीक है भूख तो लगी जाती है। तो ठीक है गाइस पूजा करते हैं फिर मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। सो गाइस खाने में है पता नहीं क्या, कौन सी सब्जी मम्मी ने बनाई है और दही और रोटी, अब खाऊंगा मैं पेट भर के, मिलते हैं खाना खाने के बाद एडिटिंग के टाइम पे। चलो
सो गाइज, इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड। अगर आपको मजा आया मेरी वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में भर देना अच्छे से, मतलब बताना मेरे को यार कि मैंने क्या क्या गलती करी है, क्योंकि मेरा पहला मोटो ब्लॉग था, तो इसीलिए मेरे को बताना कि क्या गलती हुई है, क्या क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव करनी है, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं लग पा रहा ना आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप नीचे कमेंट कर देना, और जो बुरा लगेगा वो भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, छोड़ना, चलो बाय।